नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। तो 21 फरवरी का दिन आपका कैसे रहने वाला है ये बताऊंगी आपको, और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें। किसी करीबी रिश्तेदार के मदद से आप अपने कारोबार में अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। काम का तनाव आपके दिमाग पर छा सकता है, जिसकी वजह से परिवार और मित्रों के लिए वक्त नहीं निकाल सकेंगे। बेवजह का शक रिश्तों को खराब करने का काम करता है। और राशिफल के बाद आइए आपको उपाय बता देती हूँ। पारिवारिक जीवन को अच्छा रखने के लिए किसी भी भैरव मंदिर में दूध का पैकेट दें। और मेष के बाद बात करेंगे वृष राशि की। व्यापार, उम्मीद, सहानुभूति, आशावादिता और निष्ठा जैसी सकारात्मक भावनाओं को अपनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। एक बार ये गुण आपके अंदर रच बस जाए तो हर हालत में वे खुद ही सकारात्मक तरीके से उभर आएगा। रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएंगे। तल्ख बर्ताव के बावजूद आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और राशिफल के बाद आइए आपको उपाय बता देती हूँ। सुबह, शाम और रात को धीरे धीरे शांत मन से ओम का 28 या 108 बार उच्चारण करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। बहुत कुछ आपके कंधे पर टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है। आज आपके माता पिता में से कोई आपको धन की बचत करने को लेकर लेक्चर दे सकता है। आपको उनकी बातों को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। और चलिए अब आपको उपाय बता देती हूँ। धन प्राप्त के लिए उगते हुए सूर्य को थोड़ी देर निहार कर सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। उपाय के बाद बात करते हैं कर्क राशि की। दांत का दर्द या पेट की तकलीफ आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। तुरंत आराम पाने के लिए अच्छे चिकित्सक की सलाह लेने में कोताही ना बरतें। आपका बचाया धन आज आपके काम आ सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसके जाने का आपको दुख भी होगा। पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी तनाव की वजह बन सकती है। आप अनुभव करेंगे कि आपके प्रिय का आपके प्रति प्यार वाकई बहुत गहरा है। और चलिए अब उपाय पर नजर डालते हैं। हरे वस्त्र और हरी चूड़िया दान देने से सेहत अच्छी रहेगी। और अब बात करते हैं उपाय के बाद सिंह राशि की। आंखों के मरीज प्रदूषित जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि धुआं आपकी आंखों को और नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मुमकिन हो तो सूरज की तेज रोशनी से भी बचें। बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। आपका आकर्षण स्वभाव और खुशमिजाज व्यक्तित्व नए दोस्त बनाने के लिए आपकी मदद करेगा और आपके संपर्क में इजाफा करेगा। और चले उपाय जान लेते हैं। आपके घर में अपने इष्ट देव की चांदी की मूर्ति स्थापित करके उनकी नियमित पूजा करने से धन वृद्धि होगी। और अब बात करते हैं कन्या राशि की और जानेंगे 21 फरवरी का दिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आप अपने काम का एकाग्रता बरकरार रखने में दिक्कत महसूस करेंगे, क्योंकि आज आपकी सेहत पूरे तरह से ठीक नहीं होगी। भागीदारी वाले व्यवसाय और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश ना करें। आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। और चलिए उपाय की तरफ एक नजर डालते हैं। धर्म स्थान के लिए ध्वजा का दान करने से स्वास्थ्य अच्छा होगा। और उपाय के बाद बात करेंगे तुला राशि की। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान और योग करना उपयोगी रहेगा। तंग आर्थिक हालात के लिए चलते कोई अहम काम बीच में अटक सकता है। आपको परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। फूल देकर अपने प्यार का इजहार करें। आप दफ्तर में माहौल में बेहतरी और कामकाज के स्तर में सुधार को महसूस कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं उपाय की। तंदूर में लगी मीठी रोटी गरीबों को बांटने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शारीरिक लाभ के लिए विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें। घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे।
और अब चलिए उपाय आपको बता देती हूँ। गरीब कन्याओं में चॉकलेट बांटने से प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। और उपाय के बाद बात करेंगे धनु राशि की। शारीरिक बीमारी के सही होने की काफ़ी संभावनाएं हैं और इसके चलते आप शीघ्र ही खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था, आज उन्हें उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है। किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता का सबब बनेगी। और चलिए अब उपाय जान लेते हैं। लाल वस्त्र में दो मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर किसी भिखारी को देने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। और अब बात करते हैं मकर राशि की। खेल कूद में हिस्सा लेने की जरूरत है, क्योंकि चिर यौवन का रहस्य यही है। जो लोग दुग्ध उद्योग से जुड़े हैं, उन्हें आज आर्थिक लाभ होने का प्रबल संभावना है। अपने जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करें और उनकी सफलता और खुशकिस्मती का जश्न मनाएं। उदार बने और ईमानदारी से तारीफ करें। दूसरों को खुशियां देकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। और चलिए अब उपाय पर नजर डाल लेते हैं। चांदी की एक ठोस गोली खरीदकर अपने पास रखना नौकरी और बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के काम करने के लिए अच्छा दिन है। बिन बुलाए कोई मेहमान घर में आ सकते हैं, लेकिन इस मेहमान की किस्मत की वजह से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। भावनात्मक तौर पर खतरा उठाना आपके पक्ष में जाएगा। आपका प्रिय आपको खुश रखने के लिए कुछ खास करेगा। आपके क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने की संभावना है। और चलिए अब उपाय जान लेते हैं। सफेद चंदन का तिलक लगाए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। आपका उदार स्वभाव आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे, जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएगा। उस रिश्तेदार को देखने जाए जिसकी तबीयत काफी समय से खराब है। शाम के लिए कोई खास योजना बनाए और कोशिश करें कि ये ज्यादा से ज्यादा रुमानी हो। आज किए गए निवेश काफी फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अब चलिए उपाय पर नजर डालते हैं। तांबे या सोने के पात्र में जल पिए, इससे पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।